नमस्कार, स्वागत है आपका केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में। आइए एक नजर डालते हैं कर्नाटका की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ईडी ने फिर पूछताछ के लिए कल आने का नोटिस दिया है। शहर के जयदेव अस्पताल ने प्रदेश की जनता को एक नया तोहफा दिया है। सीएम बसवराज बोम्मई ने आज केसी जनरल अस्पताल परिसर में जयदेव अस्पताल उपकेंद्र का उद्घाटन किया। भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर शुरू हो गई है। आज के वॉक में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भाग ले रहे हैं। एचडी कुमार स्वामी, कुछ मिनट पैदल चलने का कोई फायदा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा पर एचडीके की प्रतिक्रिया। कोलार हंगामा पुलिस के सामने हुआ। अतंत बेमागल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि 8 लोगों के खिलाफ जातिगत शोषण और हिंसा की गई है। डीके शिवकुमार, ईडी ने नोटिस जाति सामान्य है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि ईडी अपना कानूनी काम कर रही है। थिएटर में गायक वासुकी वैभव और युवक के बीच हाथापाई हो गई। घटना बेंगलुरु के उर्वशी थिएटर में हुई। राम मंदिर निर्माण कार्य के प्रभारी कनडिगा गोपाल नागरकेट, 2024 तक सही राम निष्क्रिय स्थापना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा, कर्नाटक सीएम। बेंगलोर भारत में सबसे अधिक तैरती आबादी का घर नहीं है, स्वास्थ्य एक संवेदनशील मुद्दा है। सीएम ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना सरकार और निजी क्षेत्र का प्राथमिक कर्तव्य है। आईएमडी ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में कुछ ठंडे तापमान और अलग अलग बारिश का अनुमान लगाते हुए आने वाले दिनों में कर्नाटक के कुछ तटीय जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बेंगलुरु वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विंटेज कारों का प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने कर्नाटक मंदिर में की दशहरा पूजा। अपने पालतू जानवर पर हमला करने के बाद पड़ोसी के कुत्ते पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु 3 पर मामला दर्ज। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर घायल हाथी के बछड़े के इलाज की मांग की। श्रद्धा दास, चंदन की खूबसूरती का देसी लुक, स्कर्ट में लड़कों की नींद चुराने वाली खूबसूरती। सिद्धरमैया के खिलाफ भूचक्र का इस्तेमाल करने को तैयार है बीजेपी। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धरमैया सोनिया गांधी के बाएं और दाएं किनारे पर चल रहे हैं। पदयात्रा की शुरुआत से ही अम्मा के साथ रहे राहुल गांधी उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। बेंगलुरु, मां दुर्गा की मूर्ति को स्नान कराने गए 2 लोगों ने पानी बांटा। बल्लारी में एक विशाल रैली के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण पर से पर्दा उठाने की योजना है। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। We'll be right back.